लाइफस्टाइल ब्लॉग, मेकअप वीडियोस, कुकिंग ब्लॉग एंड डेली ब्लॉग। सब्सक्राइब कीजिए सुनेहास ब्लॉग को और साथ में बेल आइकन दबाइए जिससे कि हमारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन से सबसे पहले मिल सके। सालगिरह मुबारक हो मम्मी, 35वां। कहाँ गए पापा? सालगिरह में कहाँ निकल गए? कौन चीज का? वही बोले एक दो। एज यू कैन सी यहाँ पर जो है वो भटूरा बनाने की रेसिपी स्टार्ट हो रही है। उसका डो यहाँ पे मिस्टर जी सान रहे हैं, मैदा, अजवाइन, दही और रिफाइंड की हेल्प से। बहुत ही टेस्टी भटूरा बना था। मैं फुल रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये जो है मतलब हम लोग श्योर नहीं, मतलब हस्बैंड जी तो श्योर थे, मैं श्योर नहीं थी, इसलिए मैं सेकेंड टाइम पक्का इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। भटूरा जो है एकदम लाजवाब बना था, एकदम जैसे हम लोग खाते हैं होटल वगैरह में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा था। देखिए देखिए सुनेहास ब्लॉग की ऑनर को बेसन लेके क्या कर रही है रे मेरा बच्चा। आप लोगों ने देखा कि भटूरा का डो मिस्टर जी ने अच्छे से मिला करके रखा है। मैंने इसीलिए मिलाया क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता। हाँ मैं भी। और ये बेसन है क्योंकि अब ढोकला ब्रेकफास्ट में बनेगा। ये क्या फॉर्च्यून ने तुम्हें एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा उसा दिया है क्या? स्पॉन्सरशिप 1 करोड़ रुपए। ओ माय, कैश दिए हाथ में रोकड़ा। और कैश नहीं चलता है, डिजिटल इंडिया में छोले भटूरे लंच बनेगा एंड खीर भी बनेगा जो मम्मी बनाएगी। खीर में कोई रिस्क नहीं है। और मम्मी आ गई है वहाँ, करी पत्ता लेके हाथ सैनिटाइज कर लीजिएगा। मम्मी आ गई है करी पत्ता लेके, मम्मी गई धोने। तुम क्या कर रही, जल्दी बताओ, समय नहीं है मेरे पास। ढोकला बनाएंगे, ढोकला ढोकला बनाएंगे। आइसक्रीम 35वां सालगिरह के शुभ अवसर पर आइसक्रीम से मुंह मीठा किया जा रहा है। टाइम बना रहे हैं हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड ढोकला। होप सो कि बहुत अच्छा बने, इसलिए हम लोग फुल रेसिपी शेयर नहीं कर रहे हैं। अच्छा बन जाएगा और अच्छा बनेगा ही, तो फिर नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर हम लोग रेसिपीज की शेयर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे और देखिए क्या क्या डिशेस हम लोग बनाने वाले। और खीर जो है वो मम्मी ही बनाएगी क्योंकि मम्मी खीर बहुत अच्छा बनाती है, वरना अगर मैं अच्छा बनाती तो फिर आज खीर मैं ही बनाती। पे जो बर्तन है वो उसमें पानी डाल के मैंने चढ़ा दिया है और बैटर जो है उसको 10 मिनट के बाद जो हम लोग इसमें डालेंगे, उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे ढोकले का फाइनल लुक। इसको मैंने तो एकदम फिट बैठ गया लेकिन जानता है। ढोकला जो उसको टेस्टिंग हो रही है मिस्टर, अगर ये क्लीन निकल रहा है इट मींस ढोकला हमारा बन गया बाबू मेरा बच्चा। इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और यहाँ पे छौका लग चुका है, अब टेस्टिंग की बारी। कितना देना चाहोगे अपना ढोकला को? फर्स्ट अटेम्प्ट में तो अच्छा बना है। इधर देखे मैं कितना, 10 में सोच रही है। 10 में कितना नंबर? नमक थोड़ा ज्यादा हो गया इसलिए 9। चीनी कम बोल दी ना देने, इसलिए खट मीठी नहीं। पप्पा ढोकला फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, कैसा लगा? बढ़िया, टेस्टी लगा है पापा को। बढ़िया लगा। और मम्मी यहाँ कंपनी दे रही है पापा को। केक कब बनेगा तुम्हारा रे? बनेगा गुल्लू रानी जो है ना, ये जो है ना सन्नी कुमार, ज्ञानविद सन्नी का सन्नी कुमार, इस पे मतलब उनको इतना ट्रस्ट है कि हम ढोकला, मुझे खाने का मन था, मुझे होता है कि मुझे कुछ भी मन है बस इनको वो चीज़ थमा दो, ये परफेक्ट बना ही लेंगे। मुझे इतना भरोसा था कि ढोकला जो है मुझे मन है। मैंने इसको इनको बोला कि रेसिपी आप देखिए, खुद रेसिपी देखिए, फर्स्ट टाइम इन्होंने बेक किया बनाया, इतना लाजवाब बनाना। इसीलिए मैं जो हूँ ना, मुझे पता है कि मुझे जो मन करेगा ये कहीं ना कहीं से अच्छा बना के मुझे खिला ही देंगे। तो और किसको खिलाएंगे बता दो? छोना बच्चा मेरे, छोना बच्चा। अच्छा एक गाना सुनी है,
जो वो मूवी में गाता है कि इधर तो लगा ए खुदा तू बोल दे मेरे बादलों से, क्या सुने तो है, हाँ, ए खुदा तू बोल दे मेरे बादलों से, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जय। वो गाना जो गाया उससे हमको पूछना है यार उसका बाप का मतलब भगवान उसका बाप का नौकर है जो यार हंसेगा ही दांत खींच दो ही यार के सामने तो बारिश हो जाएगा। नहीं बाबू बहुत हिट किया गाना रे, गाना तो हिट किया, मैं इस पे एक जोक बना था इसलिए मैंने इसी पे बोला। यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड जी जो आ गए हैं किचन में लंच की प्रिपरेशन करने के लिए, और उस दिन जो है यानी 21 मई को एनिवर्सरी था मेरे मम्मी एंड पापा का। मैं और मेरे मिस्टर जी पूरा किचन का कमान अपने हाथ में ले लिए थे कि मम्मी को किचन में आज एंट्री नहीं देंगे, सारा डिश हम लोग बनाएंगे। पूरा हम लोग भीड़ गए थे सुबह से, सुबह में ब्रेकफास्ट बनाए, ढोकला आप लोगों ने देखा, गुजराती डिश, अभी पंजाबी डिश, छोले भटूरे बनाने वाले हैं हम लोग, और बहुत ही सब चीज़ टचवुड भगवान की कृपा से बहुत ही टेस्टी वाला बना था। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू माय हस्बैंड। और यहाँ पे छोला जो है इन्होंने चढ़ाया है तो वो मैं देख रही हूँ, असिस्टेंट के रूप में मैं काम करती हूँ जब ये किचन में हम दोनों रहते हैं। तो क्या डाल रही है? आपके द्वारा बताया गया टमाटर डालने का प्रोसेस करने वाली जल्दी, 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 जल्दी। बेटा मोबाइल ना गिर जाए उसमें कुकर में, ये बहुत ही यूजफुल चीज है, आप लोग जरूर के डाल दो, आप लोग जरूर परचेज करिए, थोड़ा ढो के डालो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देना। ओके ये, ये मतलब चॉपर क्या बोलते हैं इसको, चॉपर, हाँ दे, हाँ बहुत ही यूजफुल चॉपर है। छोले भटूरे को पीसे बाद मिक्सी में अब हम लोग इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। नवाब्स किचन जो है मम्मी ने जितनी बार भी भटूरा बनाया तो हमेशा परफेक्ट नहीं बना, कितनी बार यूट्यूब से सीखा है फिर भी वो मुलायम नहीं रहा, पूछा है बहुत आंटी लोग से फिर भी जो है वो उतना जो है वो परफेक्ट भटूरा नहीं बना। तो आज जो है वो मिस्टर जी जो है वो ट्राई मतलब बहुत बार बना चुके हैं वो ऐसा बोले, तो आज वो बना रहे हैं तो मैं आप लोग को फाइनल बताऊँगी उनके द्वारा बनाया गया भटूरा कैसा बना है। यहाँ मैं और मेरे मिस्टर जी जो आ गए हैं भटूरे की प्रिपरेशन करने के लिए, तो भटूरा का डो यानी आटा को हमने कम से कम 3 से 4 घंटा जो है वो ढक के छोड़ दिया था। तो यहाँ पे मिस्टर जी ने बोला कि वो बेलेंगे और मैं जो हूँ वो फ्राई करूँगी भटूरा, लेकिन क्या हुआ ना कि बाद में मुझसे भटूरा जो है वो परफेक्टली फूल नहीं रहा था, तो हस्बैंड जी बोले कि छोड़ो मैं ही फ्राई करता हूँ तो मम्मी पापा को खिलाओ। तो मम्मी पापा को हमने बोला कि आप पहले आप लोग खा लीजिए, बाद में हम और मतलब मैं और मेरे हस्बैंड जो एक साथ खा लेंगे। तो पहले हम लोगों ने उनको ही खिलाया और गरम गरम उनको छान छान के हम लोग देते गए और वो लोग खाए, और हम दोनों जो है वो आराम से किचन की बागडोर अपने हाथ में उस दिन कम से कम पूरे दिन के लिए हम लोगों ने अपने हाथ में ले लिया। क्योंकि हमारा मानना है कि मम्मी पापा क्या कहते हैं एनिवर्सरी है लेकिन फिर भी पूरा टाइम किचन में ही घुसे हुए रहते थे, तो फिर क्या एनिवर्सरी हुआ भाई, जिसका एनिवर्सरी है वो किचन में काम कर रहा है, ये कोई एनिवर्सरी तो हुआ नहीं। तो इसीलिए हम लोगों ने आराम दिया कि भाई एनिवर्सरी जिसका है उसको टोटली आराम मिलना चाहिए, ताकि उनको भी लगे कि हाँ स्पेशल फील हो और ऐसा लगे कि हाँ आज हमारा दिन है। वैसे दिन तो रोज़ दिन है लेकिन कुछ आज स्पेशल दिन है लगना चाहिए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जिसका बर्थडे है जिसका एनिवर्सरी है वो पूरा टाइम किचन में रहे, मुझे ये मैं ये इस चीज़ के जस्ट खिलाफ हूँ। और किस किस को लगता है कि मैंने जो बोला वो सही है या उनको भी ऐसा फील होता है तो प्लीज़ कॉमेंट में बताइएगा।